हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई फर्स्टली बताया था नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। Thus, law of supply in microeconomics ये बताता है कि other factors being constant, जब किसी product का price increase होता है तो market में उस product की supply होने वाली quantity भी increase हो जाती है and vice versa. Thus, there is a direct relationship between the price and the quantity of supply for any good or service. For example, जब fruits के prices increase होते हैं तो फ्रूट वेंडर्स ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स अवेलेबल करवाने पर फोकस करते हैं, और जब फ्रूट्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उस पर वो ज्यादा फोकस नहीं करते। इसी तरह से कोई भी प्रोड्यूसर तभी ज्यादा सप्लाई करता है जब उसको ज्यादा प्राइस मिलता है, अदरवाइज जब प्राइस कम होता है तो वो सप्लाई कम कर देता है। दस लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्रेस फंक्शनल रिलेशनशिप एस Sx is equal to Fpx, जहाँ S का मतलब है सप्लाई, P का मतलब प्राइस, F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, X is commodity, good or service. Thus, there is direct relationship between price and supply. Law of supply को हम supply schedule और supply curve की help से समझ सकते हैं। चलिए पहले लॉ ऑफ सप्लाई को सप्लाई शेड्यूल से समझते हैं। सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल, ये एक इमेजिनरी सप्लाई शेड्यूल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड प्राइस ऑफ सॉल्ट है और दूसरी साइड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ सॉल्ट। ये डिमांड स्केड्यूल शो कर रहा है कि जब सॉल्ट का प्राइस 10 रुपीस पर केजी था तब सप्लाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट 100 केजी थी। जब प्राइस इंक्रीज हुआ 20 रुपीस तब सप्लाइड क्वांटिटी इंक्रीज हो गई टू 200 केजी। सिमिलरली जब प्राइस 30 रुपीस हुआ तो सप्लाइड क्वांटिटी हो गई 300 केजी। जब 40 रुपए हुआ तो 400 केजी, और जब 50 रुपए हुआ तो 500 केजी। दस स्केड्यूल से हमें समझ आया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी में। जब प्राइस ज्यादा हुआ यानी कि रुपीस 50, तब सप्लाइड क्वांटिटी ज्यादा हो गई 500 केजी, और जब प्राइस कम थे टू 10 रुपीस तब सप्लाइड क्वांटिटी कम थी 100 केजी। चलिए अब लॉ ऑफ सप्लाई को सप्लाई कर्व से समझते हैं। जैसे सप्लाई स्केड्यूल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का, उसी तरह सप्लाई कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। अभी हमने जो सप्लाई स्केड्यूल बनाया था उसी डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड। अपने टेबल को ध्यान में रखते हुए एक्स एक्सिस पर रखते हैं 100 केजी, 200, 300, 400 एंड 500 केजी। वाई एक्सिस पे रखते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 100 केजी थी, और जब प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड 200 केजी हो गई। सिमिलरली 30 पे 300, 40 पे 400 और 50 पे 500 हो गई। तो ऐसे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के कॉम्बिनेशन से सप्लाई कर्व डिराइव होता है। ये बताता है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। दस हमने सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व से ये जाना कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो जैसे कि हमने देखा law of supply states that other factors being constant, price and quantity supplied of any good and service are directly proportional. तो देखते हैं यहाँ पर other factors का क्या मतलब है। other factors हैं number 1
कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर टू कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नंबर थ्री नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, नंबर फोर नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कमोडिटी टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटीज, जीएसटी एटसेट्रा, नंबर फाइव नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नंबर सिक्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन सेम, नंबर सेवन नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। लॉ ऑफ सप्लाई की ये अजम्पशन होती है कि ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, मतलब जब ये फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई तभी काम करेगा, यानी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगी, जब तक सेलर को प्रोडक्शन कॉस्ट अफेक्ट नहीं करता, जब तक कोई नई टेक्निक ना आ जाए, अदरवाइज प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सप्लाई चेन को एनी चेंज इन वेदर कंडीशन ब्रेक ना करे, कोई नया गवर्नमेंट टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर अदर गुड्स के प्राइस कांस्टेंट रहेंगे तो प्रोडक्ट को लेकर सेलर की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट रहेगी, प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर सेलर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल वीट गुड्स ऑफ नेसेसिटी है, तो इस केस में इसका प्राइस इंक्रीज भी होगा तो भी लोग इसकी कंजम्पशन बंद नहीं करेंगे। अगर मार्केट में कोई नया बेटर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट लाइक मल्टी ग्रेन फ्लावर आ जाता है सेम प्राइस में, तब भी वीट फ्लावर की सप्लाई चेन में ब्रेक आएगा। अगर ये सब कंडीशंस होंगी तो ही लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज हुई तो लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। चलिए इस टॉपिक को समराइज करते हैं। इस वीडियो में हमने समझा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि इफ अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, तो प्राइस और सप्लाइड क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी डायरेक्ट रिलेशनशिप को हमने सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व की मदद से भी समझा। इस वीडियो के कंटेंट का रेफरेंस हमने रिलायबल पब्लिकेशंस की बुक से लिया है। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल और नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।